हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी बडी क्लब। आई एम प्रतीक ठक्कर। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक नीट 2019 की एग्जाम पैटर्न का वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख ले। उसमें मैंने आपके कई सारे डाउट्स क्लियर किए हुए हैं, लाइक एग्जाम एनडीए लेगा तो क्या ईयर में दो बार एग्जाम होगी, क्या एग्जाम ऑनलाइन होगी, एटसेट्रा। आप वो वीडियो देख लो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल जाए। उस वीडियो की लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि नीट के लिए आपकी प्रिपरेशन कैसी होनी चाहिए जिसे आप नीट में बहुत अच्छे मार्क्स ला सको। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर लूं ताकि फिर आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना रहे। फ्रेंड्स, स्टडी मटेरियल की बात करें तो आपको नीट के लिए स्टैंडर्ड मतलब एनसीईआरटी फॉलो करनी है एंड साथ में आपको आपके कोचिंग की बुक भी फॉलो करनी है। फ्रेंड्स, आई सजेस्ट कि आप इतना बहुत अच्छे से कर लो, आपको कोई रेफरेंस बुक देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ज्यादा करने से तो बेटर है जितना भी करो परफेक्ट करो, एंड मेरे ख्याल से एनसीईआरटी एंड आपके कोचिंग की बुक इनफ है। फ्रेंड्स, प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी में मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा। सो फर्स्ट वन इज कॉन्सेप्ट्स। अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपके कॉन्सेप्ट्स बहुत क्लियर होने चाहिए, बिकॉज नीट में मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जो कॉन्सेप्ट पे बेस होंगे। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सबसे पहले आप सभी टॉपिक का बेसिक अच्छे से समझे एंड फिर उस चैप्टर के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझे। फ्रेंड्स, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन के आंसर दे पाओगे जो आपने सॉल्व किए होंगे। मतलब अगर उसमें कुछ भी ट्रिकी डाल दिया तो आप सॉल्व नहीं कर सकोगे। सबसे पहले जितने भी टॉपिक्स करते हो उसके कॉन्सेप्ट्स क्लियर रखो। सेकेंड वन इज प्रैक्टिस। फ्रेंड्स, सिर्फ एनसीईआरटी को देखने से या कोचिंग के मटेरियल को रीड करने से आप नीट में अच्छा स्कोर कर दोगे ऐसा नहीं है। आपको ये भी चेक करना पड़ेगा कि आपने जो भी पढ़ा वो आपको कितना याद रहा। उसके साथ साथ आपको ये भी देखना है कि आपने जो भी समझा उसे आप किसी भी क्वेश्चन को आंसर करते टाइम कैसे यूज कर सकते हो। उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। हर एक सब्जेक्ट के मैक्सिमम एमसीक्यू सॉल्व करने का ट्राई करें। ऑनलाइन टेस्ट के लिए कई सारी एप्स एंड वेबसाइट भी है, उन्हें विजिट करके ऑनलाइन टेस्ट दे, बट प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। थर्ड वन इज स्पीड। फ्रेंड्स, जैसे मैंने अगले वीडियो में बताया था कि आपके पास 3 आवर्स होंगे और 180 क्वेश्चंस, मतलब 180 मिनट्स एंड 180 क्वेश्चंस। आपके पास एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट ही होंगी। आपको अपनी स्पीड मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। अक्सर स्टूडेंट्स पहले 1 आवर में बहुत धीरे चलते हैं एंड फिर वो बहुत जल्दी करने जाते हैं एंड इजी क्वेश्चन भी गलत करके आ जाते हैं। फ्रेंड्स, अपनी स्पीड मेंटेन रखें। ऐसा भी नहीं करना है कि स्पीड बढ़ाने के चक्कर में आधे क्वेश्चन रीड करके उसे आंसर कर दो। इससे आपके कई सारे क्वेश्चंस गलत हो सकते हैं और यहाँ पे तो नेगेटिव मार्किंग भी है, सो वो भी आपको एक अलग से लॉस होगा। अपनी स्पीड मेंटेन रखें एंड इसके लिए ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें। फोर्थ वन इज कंसिस्टेंसी। फ्रेंड्स, जैसे आपकी पढ़ाई चल रही हो उसके साथ साथ आप नीट 2019 के गोल को ध्यान में रखें। जैसे जैसे चैप्टर्स खत्म होते जाते हैं उसको अच्छे से रीड करते जाओ, उसके सभी क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करें। प्लस कंसिस्टेंसी मेंटेन करने के लिए उसे टाइम टू टाइम अच्छे से रिवाइज भी करते जाओ। फ्रेंड्स, स्टडी में कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करनी है उसके लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है जिसकी लिंक मैं कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो वहां से आप वो वीडियो जरूर देख ले। नाउ लास्ट एंड फिफ्थ वन इज टाइम टेबल। फ्रेंड्स, पढ़ाई का एक परफेक्ट शेड्यूल बनाओ अपने स्कूल एंड क्लासेस के हिसाब से। साथ साथ में रोज 3 से 4 घंटे पढ़ाई कर सको ऐसा एक टाइम टेबल बना दो एंड उसे फॉलो करें। हर एक का टाइमिंग अलग अलग होगा, अपने हिसाब से टाइमिंग देख के मस्त टाइम टेबल बनाओ। हर एक सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंट दो, पर फ्रेंड्स आपका एक सब्जेक्ट इतना स्ट्रांग कर लो कि आप उसमें बाकी के कंपेयर में
बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर सको, जो आपकी स्ट्रेंथ हो, सो उसमें ज्यादा से ज्यादा मार्क्स खींच लो। फ्रेंड्स, इस वीडियो के थ्रू मैंने आपको ऐसी 5 ट्रिक्स बताई जिससे आप नीट 2019 के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो एंड अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। ऐसे और अच्छे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू स्टडी बडी क्लब। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने व्यूज कमेंट करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।